दोस्तों AEES की तरफ से नई कॉन्ट्रैक्टल बेसिस टीचर्स रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। AEES अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ही आते हैं। PGT, TGT, PRT की रिक्रूटमेंट है, लगभग सभी सब्जेक्ट इसमें शामिल हैं। अपर एज लिमिट मेल कैंडिडेट्स के लिए 45 है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 55 साल यहाँ निर्धारित की गई है। सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से शेयर करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देख लेते हैं ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन। दोस्तों ये ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। पीजीटी के लिए कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ बीएड कर रखी हो, या 6 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स विद बीएड आपने कर रखा हो क्लास 12th के बाद। कंसर्न सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से हैं: पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश में, पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स में, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो। और जहां तक टीजीटी की बात है, टीजीटी के लिए 3 साल के बैचलर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में आपने कर रखा हो या 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री आपने कर रखी हो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT से कंसर्न सब्जेक्ट में। टीजीटी में टीजीटी इंग्लिश की, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी हिंदी संस्कृत, टीजीटी मैथ फिजिक्स और स्पेशल एजुकेटर की रिक्रूटमेंट है। टीजीटी में फिजिकल एजुकेशन टीचर की भी रिक्रूटमेंट आई हुई है। इनके लिए बैचलर्स डिग्री फिजिकल एजुकेशन में आपने कर रखी हो। PRT के लिए 10+2 50% अंकों के साथ आपने कर रखी हो। उसी के साथ साथ आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2 साल वाला कर रखा हो या 4 साल का बैचलर डिग्री ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा हो या 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन DED आपने कर रखा हो। बालवाटिका टीचर के लिए 10+2 आपने कर रखी हो, सीनियर सेकेंडरी आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन प्रोग्राम आपने कर रखा हो या उसके समकक्ष कोई डिप्लोमा या डिग्री या कोर्स आपके पास होना चाहिए या फिर बीएड नर्सरी आपने कर रखी हो। और दोस्तों 19 अगस्त 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए कॉन्ट्रैक्टल बेसिस की रिक्रूटमेंट है AEC स्कूल जूनियर कॉलेज अनुशक्ति नगर मुंबई की तरफ से और ये चौथा चरण है। हाँ जी दोस्तों, 3 चरण पहले हो चुके हैं इसी प्रकार की रिक्रूटमेंट के लिए, ये चौथा चरण है, चौथी बार ये रिक्रूटमेंट निकाली जा रही है। दोस्तों एक पैनल क्रिएट किया जा रहा है जिसमें नियमित रिक्तियां अगर होती हैं इन स्कूलों में तो बच्चों को पढ़ाने के लिए इस पैनल में से बुला लिया जाएगा। अगर कोई अवकाश पे, छुट्टी पे, लंबी छुट्टी पे कोई टीचर जाता है किसी सब्जेक्ट का तो इस पैनल में से बुला लिया जाएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। और इस तरह की रिक्रूटमेंट का ये चौथा चरण है। हाँ जी दोस्तों, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो सैलरी काफ़ी कम दी जा रही है। 27,500 रुपये सैलरी दी जा रही है PGT को, TGT को 26,250, PRT और NTT को सिर्फ 21,250 रुपये सैलरी दी जा रही है। और दोस्तों जॉब लोकेशन आपकी मुंबई ही रहेगी, मुंबई जैसे शहर के लिए ये सैलरी काफ़ी कम है। हाँ जी दोस्तों, अगर हम मुंबई की बात करते हैं तो ये सैलरी काफ़ी कम है। तो और एज लिमिट की जहाँ तक बात है, PGT को अपर एज लिमिट मैन के लिए 50, वुमेन के लिए 55, TGT में मेल के लिए 45 है, फीमेल के लिए 55 है और PRT और NTT मैन के लिए 40 और वुमेन के लिए 50 साल अपर एज लिमिट निर्धारित की गई है। KVS, NVS और AEES और गवर्नमेंट स्कूल से जो रिटायर्ड टीचर हैं उनके लिए अपर एज लिमिट 65 साल यहां निर्धारित की गई है। तो दोस्तों आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, वो शेड्यूल नीचे दिया गया है। ये शेड्यूल है, ये देखिए वेन्यू दिया गया है। रिपोर्टिंग समय है प्रातः 8 बजे TGT के लिए और PGT, PRT और प्रेप टीचर के लिए प्रातः 10 बजे है। तो लिखित परीक्षा जो TGT की है वो 27 अगस्त 2024 प्रातः 9 से 10:30 बजे तक है। प्रेप टीचर की 27 तारीख को ही प्रातः 9 से 10:30 बजे तक है। PGT की प्रातः 11 से 12:30 बजे तक है। PRT की 11 से 12:30 बजे तक है। तो दोस्तों जो टाइमिंग है, रिटर्न एग्जाम की टाइमिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जो रिपोर्टिंग समय दिया गया है 8 बजे तो दिया गया है TGT का और 10 बजे दिया गया है PGT, PRT और प्रेप टीचर का, जबकि प्रेप टीचर और बालवाटिका टीचर का रिटर्न एग्जाम 9 बजे से शुरू हो रहा है। तो इसमें शायद कुछ गलती हो गई है, ये प्रेप टीचर का 10 बजे की जगह नहीं 8 ही बजे रिपोर्टिंग टाइम होगा अगर हम रिटर्न एग्जाम की टाइमिंग की बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं। तो
और जहां तक इनके लिए स्किल टेस्ट की बात है, 28/8/2024 को प्रातः 8 बजे से स्किल टेस्ट इन सभी का कंडक्ट कराया जाएगा। रिटन एग्जाम का रिजल्ट 27/8/2024 शाम 5 बजे तक घोषित कर दिए जाएंगे। सेम सेंटर पे ही जहां आप अपना एग्जाम देंगे वहीं पे आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। अगले दिन आपके स्किल टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और ये गूगल फॉर्म लिंक दिया गया है, इस लिंक पे आपको पहले रजिस्टर भी करना होगा रिटन एग्जाम के लिए या स्किल टेस्ट के लिए आप जाते हैं तो। तो दोस्तों यही आई हुई है कॉन्ट्रैक्टल बेसिस की टीचर्स रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन। एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल और जूनियर कॉलेज अनुशक्ति नगर मुंबई की तरफ से जारी किया गया है। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।